जमीनी विवाद में न्याय न मिलने पर वृद्ध ने कलेक्ट्रेट में जाकर की आत्मदाह की कोशिश। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक वृद्ध को न्याय न मिलने पर आज कलेक्ट्रेट पर आत्मदाह करने की कोशिश की गई, जिसमें जिले के प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध को हिरासत में ले लिया। वृद्ध का एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें वृद्ध ने पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल योगेश शर्मा ने पुलिस की मिली भगत करके वृद्ध को परेशान कर रखा है, जिसमें वृद्ध जिले के अधिकारियों से न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जमीनी विवाद है, जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला अमरोहा जनपद के कोतवाली अमरोहा नगर के मोहल्ला जय ओम नगर का है। निवासी वृद्ध विजय कुमार व योगेश शर्मा का एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें योगेश शर्मा पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर हैं, जो कि योगेश ने पत्नी सुनीता शर्मा ने झूठी मौखिक सूचना देकर पुलिस की मिली भगत से वृद्ध विजय कुमार पर आरोप लगाते हुए उसे पुलिस से परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते न्याय के लिए और अपने मकान को कब्जा मुक्त करने के लिए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन अधिकारियों से न्याय न मिलने पर कलेक्ट्रेट पर पीड़ित वृद्ध ने आत्मदाह का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध को हिरासत में ले लिया। पीड़ित वृद्ध ने कहा कि न्याय न मिला तो अगले कुछ दिनों में आत्मदाह की चेतावनी दी है। जब इस मामले में मीडिया ने न्याय न मिलने पर पीड़ित के आत्मदाह के बारे में जाना तो जिला अधिकारी ने एक प्रॉपर्टी का विवाद बताते हुए जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि सुनीता शर्मा ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई, छेड़छाड़ की मारपीट की। किसने? सुनीता शर्मा। अच्छा। योगेश हेडक्वार्टर कांस्टेबल उसका पति पुलिस वाले घर वाली है वो। मैंने योगेश जी के हाथ से जांच कराई, कोई मारपीट नहीं होने वाली। मैंने आठ टाइम में सूचना दी है, किसी भी सुनीता शर्मा ने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी क्यों ठगले का मुझे? मेरे मुझसे 50 रुपए ले लिए। बोले सुनीता शर्मा 50 रुपए थे, बना जेल जाए मेरे मजा मेरे बेटे को। पैसे किसने लिए? सुनीता शर्मा। पुलिस आपको उत्पीड़न कर रही है? अरे सुनिए, जेल भेजू कर रही है। अरे अच्छा, पैसे किसके द्वारा लिए गए? किसने किसको दिए था आपने? मेरे बेटे ने दिए। किसने? 17,000 चेक से। सुनीता शर्मा दिलवाए मनोज कुमार, मुझे गुमराह कर रही पुलिस। तो आप किससे पीड़ित हैं? मुझे 50 रुपए। कौन परेशान कर रहा है आपको? पुलिस परेशान करी मुझे, तेरे खिलाफ कोई केस नहीं, मुझे बंद करने पड़े। आज आप किसके पास आए थे? आप उत्तर करने के लिए आए। किसके आत्मदाह? मुझे न्याय नहीं मिले 2.5 साल। मैं योगी जी का ही होगा आज। आत्मदाह कहाँ पकड़ने के लिए आए थे? कलेक्ट्रेट में। कह रहे कुछ भी नहीं, कह रहे जाँच करेंगे। अच्छा, फिर अगर अभी अभी तुम्हें कोई निराशा मिली नहीं जाँच में? जाँच अगर मुझे नहीं मिलता न्याय तो आत्मदाह करूँगा। कब? मैं देखो 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं एटीएम साहब और सीओ साहब। 15 दिन के अंदर ना मुझे न्याय नहीं मिलता, आत्मदाह कर लूँगा, मुझे तो रोक नहीं सकता। तो आप पुलिस ने अभी रोका जब आपने आत्मदाह करने की कोशिश की? जी आप नहीं है, कल मेरे पास पुलिस वाले गए थे, LIU वाले गए थे, बोले आत्मदाह मत करना। हम तुम्हें कल उन्होंने 9 दिन का 9 तारीख का टाइम दे रखा 2 दिन का LIU वालों ने। बोले कोई पुलिस परेशान करे, कोई गाल देवे धमकावे तो आप हमें फोन करो। फोन नंबर दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, इस मामले में पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया आपने? कप्तान से? कप्तान साहब से पास होगा, कप्तान साहब पास नहीं गया, सीओ साहब पास गया, एटीएम साहब पास गया। जी जी, जमीन का है सीखता है कुछ भी नहीं जमा। तो सुनीता शर्मा ने फर्जी वो कराई मेरे खिलाफ शिकायत, और आर टी में कोई शिकायत नहीं मेरे खिलाफ। आर टी में सूचना नहीं, क्योंकि कोई मेरे पर मुकदमा नहीं आज तक। कहाँ आर टी का है? घर पर है, मैं दे दूँगा। मैं कल कहूँगा एटीएम साहब के यहाँ सब चीज़ है, जांच करी रामकुमार शर्मा दरवाजी ने। उन्होंने साफ लिखा कि सुनीता शर्मा का विजय हो कोई विवाद हुआ ही नहीं है, और सुनीता शर्मा ब्रह्म रहती नहीं, 5 साल हो गए रहती नहीं। सुनीता शर्मा किसकी माई है? अरे अच्छा, पैसे किसके द्वारा लिए गए? किसने किसको दिए थे आप? मेरे बेटे ने दिए। किसे? 17,000 चेक से। सुनीता शर्मा दिलवाए मनोज को, मुझे गुमराह कर दिया पुलिस। तो आप किससे पीड़ित हैं? मुझे 50 रुपये चाहिए। कौन परेशान कर रहा है आपको? पुलिस परेशान करी मुझे, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, मुझे बंद करना। तो आज आप किसके पास आए थे? आप उत्तर करने के लिए आए। किसके आत्मदाह? मुझे न्याय नहीं मिले 2.5 साल हो गए। योगी जी का ही होगा यार। आज आत्मदाह कहाँ पकड़ने के लिए आए थे? कलेक्ट्रेट में। क्या रहा? कुछ भी नहीं, कह रहे जांच करेंगे हम। अच्छा, फिर अगर अभी अभी तुम्हें कोई निराशा मिली नहीं जांच में?
जहाँ तक अगर मुझे नहीं मिलता न्याय तो आप ही ला करूँ मैं। कब? मैं देखो 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं साहब और शिव साहब, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे न्याय नहीं मिलता, आप ही ला कर दूँगा, मेरे को रोक नहीं सकता। तो आप पुलिस ने अभी रोका जब आपने आत्मा करने की कोशिश की? जी आप नहीं है, कल मेरे पास पुलिस वाले गए थे, LIU वाले गए थे, बोले आप इंदा मत करना, हम तुम्हें कल उन्होंने 9 तारीख का टाइम दे रखा 2 दिन का LIU वालों ने, बोले कोई पुलिस परेशान करे कोई गाल देवे धमकावे तो आप फोन करो, फोन नंबर दिया उन्होंने मुझे। अच्छा इस मामले में पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है तो पुलिस अधीक्षक महोदय शिकायत किया आपने? नहीं कप्तान से नहीं, कप्तान साहब से पास हो गया था, कप्तान साहब पास नहीं गया, सी ओ साहब पास गया, एच एम साहब पास गया। जी जी विवाद जमीन का भी चिंता है? ये कुछ भी नहीं जमा, वो तो चिंता सलमान फर्जी वो कराई मेरे खिलाफ शिकायत, और RTI में कोई शिकायत नहीं मेरे खिलाफ, RTI में सुन ली, कोई मेरे पर मुकदमा नहीं आज तक। कहाँ RTI का है? घर पर है, मैं दे, मैं कल कहूँगा एच एम साहब का सब ठीक है, जाँच करी रामजीवन शर्मा दरवाही में, उन्होंने साफ लिखा कि सुनीता शर्मा का विजय हो कोई विवाद हुआ ही नहीं है, और सुनी 5 साल हो गए रहते हैं, हो गया 5 साल। उनका कोई प्रॉपर्टी का एक कांस्टेबल से उनका विवाद है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उनको SDM और CO साहब से अनुरोध किया गया कि इस मामले को उनका देख करके उनका समाधान करा दें, हम माननीय न्यायालय का जो आदेश हो उसके अनुसार कार्रवाई करें।